कौन है ये रियल लाइफ सूर्यवंशी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने ना केवल फिल्म बल्कि दूसरे देशों की सरकार के लिए भी प्रेरणा बन गए। स्वागत है आपका बॉलीग्रास स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी फिल्म सूर्यवंशी इस साल रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के विपरीत जिसने हीरोज ज्यादातर कैप्शन या गैंगस्टर से लड़ते नजर आए थे, इस बार अक्षय का सामना आतंकवादियों से है जो पूरे मुंबई को उड़ा देना चाहता है और अक्षय को उनके इस मिशन में फेल करने की जिम्मेदारी मिली। जाहिर है कॉन्सेप्ट बेहद दिलचस्प भी है और पेचीदा भी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में भी कई बार जाबाज ऑफिसर्स आतंकवादियों की मुहिम को नाकामयाब करते नजर आए। कितनों ही कहानियों में हमें पता नहीं चल पाती। आज मैं ऐसे ही एक युद्ध की कहानी लेकर हाजिर है, इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं पंजाब के शूरवीर केपीएस गिल की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब से आतंकवादियों की हस्ती मिटा दी। इस काम के लिए उन्होंने जहर ही जहर को काटता है का फॉर्मूला अपनाया। दरअसल इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशन को सटकी कारण के बाद उनका पता चला कि पंजाब में खालिस्तान अभियान तथा आतंकवादी गतिविधियों में 90% पंजाबी युवा शामिल है, तो इस युवा टीम के सकाय के लिए उन्होंने भी युवाओं का ही सहारा लेना फैसला किया। गिल ने कई बार आतंक विरोधी ऑपरेशंस में सेना के सहयोग के लिए भी पंजाब युवाओं को तैनात किया। इस तरह गिल ने न केवल लोगों की मदद लेकर आतंकवादियों को खात्मा किया, गिल का यह फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल रहा, साबित हुआ कि पंजाब में एक डिकेड पुराने आतंकवादी का सफाया हो गया है। इस काम के लिए उनका जो है अप्रेजल सिस्टम में बेहद दिलचस्प था। उन्होंने पुलिस विभाग से एक ऐलान करवा दिया कि जो पुलिस कर्मचारी जितने बड़े आतंकवादी का एनकाउंटर करेगा उसे उतनी बड़ी तरक्की दी जाएगी। केपीएल गिल ने इस मुहिम को तहत पंजाब के सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को एक बहुत ही समय बाद कई बार प्रमोशन लेने में कामयाब हुए और कई बार उनका बहुत ही सराहना मिली। इसके अलावा गिल ने आतंकवादी की मुहिम में पुलिस के साथ देने वाले हजारों नौजवानों को भी पुलिस में सीधा भर्ती भी करवाया। इस तरह नौकरी न होने वाले को भी बेरोजगार युवा पहले आतंकवादी की गलत रास्ते पर चले जाते थे, उनकी इसी प्रॉब्लम्स का गिल ने आतंकवादी को ही मिटाने का इस्तेमाल किया। उनका ये सवाल जो है सफल रहा और फॉर्मूला इतना फेमस हुआ कि साल 2000 से 2004 के बीच श्रीलंका की उस समय की सरकार ने LTT के खिलाफ राजनीति बनाने के लिए भी गिल की मदद मांगी। इस तरह सूर्यवंशी ने न केवल भारत बल्कि विदेश में आतंकवाद की समस्या को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिल की साल 2017 में मौत हो गई, लेकिन देश के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, रोहित ने कहीं ना कहीं इस पुलिस की कहानी से प्रेरणा ली है? और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।